नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र की रहने वाली खुशबू सोनी अपने पति व ससुर के ऊपर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। मीडिया को जानकारी देते हुए खुशबू सोनी ने बताया कि हमारी शादी 28 मार्च 2023 को सुधीर रंजन सोनी निवासी रतहरा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही मेरे ससुर द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी जानकारी मैंने अपने पिता को फोन के माध्यम से दी। बाद में पिता मुझे अपने घर ले गए और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ ससुराल जाकर ससुर व परिवार के लोगों को समझाइश दी गई। उसके बाद भी मेरे ससुर पति और सास के द्वारा मारपीट की जाने लगी और दहेज की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने रीवा के महिला थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आइए आपको भी सुनाते हैं पूरे मामले पर पीड़िता का क्या कुछ कहना है। हमारा हीरेंद्र सोनी नाम है। क्या पूरी घटना है बताइए। पूरी घटना ये है कि हम 28/5/2023 में इस बच्ची का शादी किए थे RTO ऑफिस के पीछे रतहरा, वार्ड क्रमांक 11। उनका नाम संतोष सोनी है और जिस लड़के से शादी किया उसका नाम सुधीर रंजन सोनी है सर। तो क्या हुआ था कि जब शादी किए तो लड़की का विदा किए तो वो लोग दहेज के लिए इसको प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित किए तो लड़की हमको फ़ोन में बताई, तभी मैं कुछ वरिष्ठ लोगों को ले जाकर उनसे मतलब समझौता की बात किया। जब समझौता की बात किया तो होगा, समझौता होने के बाद मैं दोबारा चक्कर इसको 17/10/2023 को रिटर्न दोबारा विदा किया इस उनके घर में। फिर वहाँ गई है तो इसके साथ मतलब फिर से दहेज की मांग करने लगे, मारपीट प्रताड़ित करने लगे। तो ये लड़की फिर मतलब 2/11/2023 को इसकी प्रथम मतलब ये जो MCR है महिला थाने में हुई महिला। फिर इसके बाद FRI हुआ सर, और FRI होने के बाद मतलब चार सीट बन के वहाँ चले कोर्ट में चली गई। अब वही केस में हम लोग अभी बॉम्बे में थे, बॉम्बे में तीन आदमी थे, हम थे और हमारे बड़े भाई और भतीज। तभी ये मतलब 13 तारीख को हमारे घर में सुनसान देख के पता नहीं कहाँ से लोकेशन लिए, और ये बच्ची अपने दादी के साथ गई थी KYC कराने के लिए, तो कुछ इसका मतलब डॉक्यूमेंट छूट गया था। उसी टाइम ये मतलब जा रही थी मतलब डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो मतलब रायपुर के तरफ से कार आई, एक बाजू में पगड़ा था और एक बाजू में बारी था। उसी के दोनों के बीच में जब ये आई तो उसी समय कार से मतलब इसका ससुर जो है इसको पकड़ के उठा ले गया, गाड़ी में बैठा लिया। ये मतलब ये हमको ऐसा बताई और अभी फिर हम लोग तो थे नहीं, इसके बुआ और फूफा थे वहाँ पे घटना में। बुआ फूफा से हम लोग से पहले पहुँचे थे रेलवे स्टेशन के पास। तो ये लोग 100 नंबर को फ़ोन लगाए, 100 नंबर भेज दिया चौराहा थाना, और चौराहा थाना में जब गई है तो 155 में साधारण पति पत्नी के मतलब विवाद के हिसाब से नॉर्मल रिपोर्ट कर दिए, जिससे कोई कुछ मतलब नहीं, मतलब सही ढंग से मतलब कार्रवाई किए ही नहीं। फिर मैं SP ऑफिस में, ये बच्ची आई तो बच्ची भी SP ऑफिस में आई, तो मतलब वो सर बोले कि इन कार्रवाई होगा तुम जाओ, लेकिन वहाँ भी कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। आप पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि मतलब जो सही चीज़ का जानकारी लेके और सही कार्यवाही किया जाए। चौराहा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? चौराहा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। कब से आप परेशान हैं? अरे ये हम मतलब 13 तारीख की तो घटना है सर, अभी नई वाली घटना 13 तारीख की है, तभी से अभी आज मतलब कितना तारीख है 20 तारीख, अभी तक कोई मतलब ना मुजरिम को कोई वो, ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, बस एक MCR दे के फुर्सत हो गए हैं। मोबाइल हैंग कर लिया। हमारा नाम हीरेंद्र सोनी है और चाचा नहीं, हम चाचा हैं इस लड़की के, खुशबू सोनी। क्या शिकायत लेकर आई है? SP ऑफिस में हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या मामला था? मामला हम अपने मायके में थे, वहाँ से हमारे ससुर ने हमें दवा बनाने के लिए घर से उठा लिया था। कब? ये 13 तारीख को, इसी महीने में। जी कौन है, क्या नाम है? हमारे ससुर का नाम संतोष सोनी है और पति का नाम सुधीर रंजन सोनी, और दो अज्ञात लोग हैं उसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? ये RTO ऑफिस के पीछे रहने वाले हैं। कब शादी हुई थी आपको? हमारी शादी 28 मई को हुई थी, पिछले साल। जी कौन प्रताड़ित कर रहा था? हमारे सास ससुर पति तीनों प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से? जी शादी के बाद। सास ससुर लोग? जी। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने पहले महिला थाना में की थी, उसमें कोई कार्रवाई, उसमें भी 498 का केस लगा हुआ है, अभी दहेज एक्ट लगा, तो उसमें दवा बनाने के लिए हमें हमारे घर से उठा लिया गया था।
कौन उठा लिया? हमारे ससुर थे और पति थे, दो अज्ञात लोग थे। कब उठाए थे? ये 13 तारीख को उठाए थे, इसी महीने में। पुलिस में शिकायत की थी? जी, इसकी पुलिस में शिकायत की थी चुरहटा थाना में। कोई कार्रवाई हुई? वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कैसे छूटे वहाँ से, कैसे छूट गया है उठा लेने? वो पहले वहाँ से उठा के ले गए थे घर से, फिर उसके बाद चले गए रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ कुछ पहले ही रेलवे स्टेशन के वहाँ पे मुझे उठा के कुछ मारपीट किए, मतलब मारपीट बहुत ज़्यादा किए। फिर उसके बाद कुछ पेपर्स में साइन करवाए हैं, उसके बाद फिर सिंदूर डाले, चूड़ियाँ पहनाए और 3-4 फोटो खींचे हैं, और उसके बाद फिर हमें वहीं पर उतार के वो लोग निकल गए। हमारे ससुर पति दो अज्ञात लोग। हमारे ससुर का नाम संतोष सोनी है जी। कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कहाँ पर आई हैं शिकायत करने? SP ऑफिस। मुलाकात हुई है? हाँ हुई थी अधिकारियों से। जी, क्या बोले? क्या आश्वासन दिया? बोले कि अभी कार्रवाई होगी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? रतहरा RTO ऑफिस के पीछे।